वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्नेहा ड्रेसअप में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं कटिंग करने वाली हूँ सिंपल ब्लाउज की। ये मेरा ब्लाउज पीस है और ये हमारा नाप वाला ब्लाउज है। इसके नाप से हमें इस ब्लाउज की कटिंग करनी है। तो कटिंग करने के लिए हमें सबसे पहले कपड़ा को खोलना है। तरीके से अच्छे से ऐसे। इसके बाद में हमें अपनी तरफ बंद वाली साइड अपनी तरफ रखनी है और खुली वाली उधर रखनी है, और छोटी वाली साइड ऐसे रखनी है और लंबी वाली साइड ऐसे रखनी है। ऐसे रखने के बाद में हमें सबसे पहले अपनी चेस्ट का नाप लेना है। तो हमारी इस ब्लाउज की चेस्ट है 17.5। यानी 35 इंच की हमारी चेस्ट है। तो उसका आधा हम इसमें नापेंगे। तो इधर की साइड हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है। उसके बाद में हमें यहाँ से हमारी चेस्ट का निशान लगाना है 17.5। 17.5 हमारा यहाँ हो गया। फिर इधर भी हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाना है। ऐसे यहाँ तक हमारा 17.5 है। उसके बाद में यहाँ हम 2.5 इंच पर निशान लगा लिया है। 2.5 इंच हमारा इस लाइन पे आया है, तो हमें सीधा यहाँ से कट कर देना है। ये मैंने कपड़ा कट कर दिया है। ये कपड़ा है, फिर इसको हमें खोल के और ऐसे उधर की साइड फोल्ड कर देना है एक बार। लंबी साइड ऐसे रखनी है, छोटी साइड ऐसे रखनी है। ऐसे रखने के बाद में हमें ऐसे फोल्ड करना है। तरीके से यहाँ बंद है और इधर सारा खुला हुआ है। तो ऐसे करने के बाद में हमें अपनी निचाई का नाप लेना है, हमारे ब्लाउज की निचाई कितनी है। तो यहाँ से इतना छोड़ के और आपको निचाई का नाप लेना है। तो 12.5 मेरी ब्लाउज की निचाई है यहाँ, और इतना हम फोल्ड करने के लिए रखेंगे और यहाँ से हम कट कर देंगे इसको। ये मैंने कट कर दिया है। अब सबसे पहले हम तीरा का नाप लेंगे। तो तीरा का नाप हम ऐसे लेते हैं यहाँ से, ये हमारी सिलाई है, तो यहाँ से इतना एक्स्ट्रा लेना है और इतना ही इधर लेना है। तो यहाँ 9.5 पर ये है, तो 9.5 हमारा तीरा हो गया। 9.5 का आधा 4.5 हो गया। तो यहाँ से 4.5 पर हमें निशान लगाना है इतना छोड़ के। ये हमारी बटन पट्टी जो होती है उस ये इतना सिलाई में जाता है, इसीलिए हमें इतना छोड़ के तभी हमें तीरा का निशान लगाना है। तो यहाँ से हमारा तीरा है 4.5, तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। यहाँ से निशान लगाने के बाद हमें
चेंज का यहाँ से निशान लगाना है सीधा और इससे सीधा कर देंगे। अब इधर हम मुड्डे के लिए छोड़ेंगे 2.5 और यहाँ से हम गले की निचाई का नाप लेंगे। तो हमारे गले की निचाई है आगे वाले की 5.5, तो यहाँ 5.5 पर निशान लगा देंगे और यहाँ से 2 इंच है तो यहाँ से भी 2 इंच और ये सीधा निशान लगा देंगे और यहाँ से इसे सीधा कर देंगे। इसके अंदर हमें इतना लेना है और यहाँ निशान लगाना है और यहाँ से हम इसे ऐसे और 1 इंच हमें इसके अंदर निशान लगाना है और यहाँ से हम इसे गोल कर देंगे। अब यहाँ से इसे और इसे कट कर देंगे। ये मैंने ऊपर ऊपर वाला कट किया है, ये हमारा बंद ये वाला कट कर देना है। तो ये भी मैंने कट कर दिया है। इसके बाद मैं इसे ऐसे करके और हमें बैक गले का नाप लेना है यहाँ से इतना छोड़ के। तो बैक गला है मेरा 8 का, ऐसे निशान लगाएंगे, फिर यहाँ से 2 इंच ऐसे निशान लगाएंगे, यहाँ से इसे ऐसे सीधा कर देंगे के बाद में यहाँ से इसे गोल कर देंगे, फिर इसे यहाँ से कट कर देंगे। तो ये मैंने कट कर दिया है। अब इसके बाद में ये हमारा आगे वाला था जो मैंने कट किया है, इसके पीछे वाले में हमें इतने इतने हिस्से में हमें थोड़ा अलग अलग निशान लगाना है, उसके बाद में इधर आके मिला देना है। इसके बाद में मैंने ये भी कट कर दिया। ये हमारे ब्लाउज की कटिंग हो गई है। अब इसके बाद में हमें बाजू की कटिंग करनी है। तो जो हमने ब्लाउज के साइड से कपड़ा निकाला था उसमें से हम बाजू निकालेंगे। तो हमारे बाजू की निचाई है 4.5, तो 1.5 इंच इधर रखना है मोड़ने के लिए, उसके बाद 4.5 पर निशान लगाना है। उसके बाद में यहाँ मुड्डे की सिलाई के लिए हमें थोड़ा सा रखना है। उसके बाद में हमें यहाँ सीधा निशान लगाना है। सीधा निशान लगाने के बाद में इधर से 2.5 इंच अंदर लेना है हमें
फिर इसमें ये मिला देना है। इतना हम मोड़ने के लिए छोड़ रहे हैं, फिर इसका निशान ऐसे लगा दें। तो ये हमारी बाजू का निशान हो गया। अब ऐसे ही हम इसे कट कर देंगे। तो ये मैंने बाजू की कटिंग कर दी है, इतना हमें फोल्ड के लिए छोड़ा है। और यहाँ से ये ऊपर वाले दो परत उठा के और ये बीच बीच में यहाँ से थोड़ा थोड़ा निकाल देना है, जितना हमने मुड्डे में निकाला था। इतना तो हमारी बाजू की कटिंग भी हो गई है। तो अब हम काटेंगे बटन पट्टी। तो हाई वाली साइड की पट्टी हम 3 इंच की निकालेंगे। और हुक वाली पट्टी हम 2.5 इंच की निकालेंगे। तो ये हमारी बटन पट्टी कट गई है। अब हमें गले के लिए और भी पट्टी कट करनी है। तो गले के अंदर से जो कपड़ा निकला था, हम और भी पट्टी उसी में से कट करेंगे। तो ये हमें खोलना है और ऐसे थोड़ा टेढ़ा निशान लगाना है, ज़्यादा टेढ़ा नहीं लगाना। और ये 1.5 इंच की पट्टी एक कट करनी है, यहाँ से भी 1.5 इंच का निशान लगाना है और ये ऐसे सीधा कर देना है। ऐसे ही ऐसे हमें सारी पट्टी कट कर लेनी है। तो ये मैंने सारी गले की पट्टी कट कर ली है। अब हमारे सारे ब्लाउज की कटिंग हो गई है। तो आप सभी को मेरे ब्लाउज की कटिंग की वीडियो कैसी लगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए और मुझे बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।